हेलो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में कि किस तरीके से आप एसएससी जीडी भर्ती में भर्ती हो सकते हैं और क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे ये भर्ती करवाई जाती है। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को हर एक चीज एकदम से क्लियर हो पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी कोई पोस्ट नहीं है। एसएससी जीडी का एक सीधा सा मतलब है कि एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एक एजेंसी का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि जितनी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उन सभी के जो जीडी के पद होते हैं उन पर भर्ती करवाती है। यानी एसएससी के थ्रू ये जो भर्ती होती है वो कंडक्ट करवाई जाती है और ये एप्लीकेशन फॉर्म या आपके रिटन एग्जामिनेशन वगैरह के जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करवाती है और भर्ती कंप्लीट होने के बाद ये जितने बार आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके लिए कैंडिडेट को भेज देती है, जितनी वैकेंसी होती हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी में टोटल 8 फोर्सों की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, एएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, एनआईए और आपका एसएसएफ शामिल है। सभी फोर्सेस के लिए वैकेंसी शामिल की जाती है, इसी के लिए एसएससी जीडी आपका एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाता है। ये तो आपकी हो गई बात फोर्स वगैरह की, कौन कौन सी फोर्स इसमें शामिल होती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से अगर आपने 10वीं पास कर रखी है यानी 10th पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 23 साल सिंगल कैंडिडेट का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जिस वर्ष आपकी भर्ती निकाली जाती है उस वर्ष के 1 अगस्त से आपकी एज होती है वो काउंट की जाती है और लगभग 2 से 3 साल के अंतराल पे ये हर बार भर्ती आपकी निकाली जाती है। तो ये चीज क्लियर होने के बाद आप सभी को बता दें, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट दी जाती है उम्र में, अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। ये होता है आपका क्राइटेरिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कुछ फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है, जैसे कि आप जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी कैंडिडेट हैं, आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो सीना होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए फुलाकर। क्राइटेरिया होता है मेल कैंडिडेट का। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यही क्राइटेरिया होता है। बाकी का कुछ जो कैटेगरी है जैसे एसटी हो गया, गढ़वाली या कुमायूं वगैरह होते हैं, हाइट वगैरह में छूट दी जाती है, तो वो उसके लिए पूरा इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपका जो होता है फिजिकल एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह करवाई जाती है। ये डायरेक्टली चल लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, जिससे कि आप सभी का पॉइंट टू पॉइंट जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। भर्ती में सबसे पहले जो कंडक्ट करवाया जाता है वो करवाया जाता है आपका रिटन एग्जामिनेशन की। जो पहले जो भर्ती को स्टार्ट किया गया था तो आपका फिजिकल पहले कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन अभी 2 साल से यानी लगातार 2 बार की जो भर्तियां निकाली गई हैं उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो अभी जो हाल ही में आपका करवाया जाता है, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो 1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 90 मिनट का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सभी जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, के लिए आपको हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। की बात कर लेते हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका अगर मैं बात करूं तो मैथ हो गया, फिर दूसरा आपका रीजनिंग हो गया, फिर जीके हो जाता है, और एक जो सब्जेक्ट होता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है। इसमें से एक आपको चूज करना चाहता है, चाहे तो आप इंग्लिश दे दीजिए, चाहे आप हिंदी दे दें, जो भी आपकी मर्जी हो वो एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ये 4 सेक्शन होते हैं, चारों सेक्शन के लिए 25-25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। तो उसी सेक्शन में जो आपका वेटेज है नंबर का वो इक्वल है, सभी के लिए समान नंबर दिए जाते हैं। 25-25 क्वेश्चन के लिए 25-25 नंबर दिए जाते हैं। का हो गया सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। रिटन एग्जामिनेशन का मैटर यहीं खत्म होता है और रिटन एग्जामिनेशन में
सी के 12 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। यानी कि मान के चल लेते हैं कि टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 20,000 वैकेंसी है, तो 20,000 वैकेंसी का 12 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। सेकंड स्टेज जो आपकी होती है वो होता है फिजिकल। या रिटन एग्जामिनेशन में जितने बार कैंडिडेट बैठे हैं उनमें से केवल वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे हमने कहा कि मान के चलते हैं 20,000 वैकेंसी है, तो अगली स्टेज के लिए 240,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। 40,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए जाएंगे, तो फिजिकल में मैंने आप सभी को मेजरमेंट ऑलरेडी बता चुका हूं कि 70 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होती है, कुछ कैटेगरी में छूट दी जाती है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होती है, कुछ कैटेगरी में छूट दी जाती है। तो फिजिकल हो गया। उसके बाद जो बात आती है आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी की, तो उसमें केवल आपकी रनिंग करवाई जाती है। रनिंग की बात करूं तो 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को करनी होती है 64 मिनट में। वहीं मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है 8.5 मिनट में महिलाओं को कंप्लीट करनी होती है। तो यह आपका जो फिजिकल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिजिकल में जितने बार कैंडिडेट जो होते हैं उस एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। हाईएस्ट मतलब जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें क्वालिफाई किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं वो अगली स्टेज यानी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए चले जाते हैं, और जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं अगर वो चाहें तो अपना आरएमई यानी रीमेडिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। किनसी होती हैं इतने कैंडिडेट को जो हायर मार्क्स वाले होते हैं उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। आपको बता दें कि इसकी जो मेरिट बनाई जाती है वो ऑल इंडिया के हिसाब से बनाई जाती है और हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होती है। यानी कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, ऑल इंडिया की मतलब लिस्ट तो लगेगी लेकिन आपकी जो कट ऑफ होगी वो अलग अलग आपकी कट ऑफ होगी। हर एक के लिए हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, हर एक कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। इसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग जिसका हाईएस्ट मार्क्स होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रेफरेंस है जो चॉइस होती है फोर्स की, और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो मार्क्स लेके आता है तो उसको फोर्स एलोकेट कर दी जाती है। जैसे कि उनके चलते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है एनआईए की, तो एनआईए आपने फर्स्ट चॉइस दे रखी है और आप मार्क्स आते हैं 95 और ये की कट ऑफ गई है 96 और सेकंड नंबर पे आपने चॉइस भरी हुई है सीआईएसएफ और सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है 86। तो सेकंड नंबर की जो चॉइस है आपकी वो आपको दे दी जाएगी सीआईएसएफ। अगर आप सीआरपीएफ भी अगर फर्स्ट चॉइस में भर रखा है तो आपको सीआरपीएफ ही मिलेगी, चाहे आपके कितने भी नंबर हो और चाहे आपकी सीआरपीएफ की कट ऑफ कितनी भी नीचे हो ये मैटर नहीं करती। तो ये इलेक्शन प्रोसेस होता है, ये पूरा भर्ती इसी तरीके से आपकी कंप्लीट करवाई जाती है। लगभग हर 2 साल बाद ये भर्ती निकाली जाती है। इसके आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इन फ्यूचर आपको इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती रहेगी और हर एक जानकारी के बारे में आप सभी को अपडेट कराते रहेंगे। उम्मीद कर जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। प्यारे साथी लाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भारत।